कर्ज और खुदकुशी की चक्की में पिस रहा किसान अब बड़े पैमाने पर आवारा जानवरों की मार झेल रहा है। खड़ी फसलों को जानवरों के झुंड एक झटके में अपना चारा बना ले रहे हैं, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर भारत में इस वक्त आवारा पशुओं का आतंक मचा हुआ है, जो किसानों की तैयार फसल को बर्बाद कर रहे हैं। मगर आवारा पशुओं की लगातार मार झेल रहे किसान अब आंदोलनरत हैं। 2 अक्टूबर को दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हजारों किसानों की तमाम मांगों में से एक ये भी थी कि सरकार आवारा जानवरों का कोई ठोस बंदोबस्त करे, वरना वे बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। आवारा पशुओं के बारे में बात कही है। हम लोगों ने हर जनपद को 1,20,00,000 रुपए गौशाला निर्माण के लिए और साथ साथ मनरेगा को इसके साथ जोड़ने की व्यवस्था करके हर किसान अगर अपने घर में गोवंश पालना चाहता है, पशुपालन करना चाहता है, तो कन्वर्जन के माध्यम से कॉ शेल्टर बनाने के लिए किसान को धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है। जो भी किसान इसको आवेदन करेगा, हम मनरेगा में इसको सहायता करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक सामूहिक गौशाला जहां पर प्रत्येक जनपद में 5,000, 7,000, 10,000 गोवंश रखा जा सके, उसकी सेवा किया जा सके, 1,20,00,000 रुपए प्रत्येक जनपद को 75 के 75 जनपदों को हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। मगर सूबे के सभी जिलों में आवारा पशुओं के लिए गौशाला और अभ्यारण बनाना ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। सभी जिलों में प्रस्तावित गौशाला की क्षमता 5,000 जानवरों तक की है, जबकि आवारा पशुओं की संख्या लाखों में है। ऐसे में आवारा पशुओं के लिए समुचित व्यवस्था का योगी सरकार का दावा खोखला लगता है। आंदोलनकारी किसानों का दावा है कि इस बार उनकी दलहन की फसलों को आवारा पशुओं ने बड़े पैमाने पर तबाह किया है। महज आधा दर्जन जानवरों का झुंड मूंग, मसूर, चना, अरहर का पूरा खेत तबाह कर देते हैं। धान, गेहूं, गन्ने जैसी फसलों को भी ये जानवर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों को अब दिन रात अपने खेतों की निगरानी करनी पड़ रही है। सबसे बुरा हाल उत्तर प्रदेश का है, जहां बूचड़खाने बंद होने से जानवरों की तादाद में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई और गौशालाओं का जमीन पर नामोनिशान तक नहीं है। यूपी का बुंदेलखंड वो इलाका है जहां खेती पर निर्भरता ज्यादा है। यहां किसानों ने अपनी फसल बचाने के लिए खेतों में कंटीली बाड़ लगाकर करंट दौड़ा दिया। अब यहां आए दिन करंट से आवारा जानवर मर रहे हैं। अलीगढ़ के अतरौली में करंट की ऐसी ही बाढ़ से चिपक कर एक भाई बहन की भी मौत हो चुकी है। इन सब के बीच किसानों की पेशानी पर बल पड़े हैं कि खत्म होते चारागाह और कागजों पर मौजूद गौशालाओं के बीच वे अपनी फसलों की सुरक्षा कैसे करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।